आदोनी शहर के तमाम दिगर माइनॉरिटीज के लीडरों से मैं अदबन अजीजन खास हम खास गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारे आदोनी शहर में जो मोहम्मद अली पार्क में जो शादी खाना पिछली सरकार में हमारी हुकूमत में तेलुगु देशम की हुकूमत में जबकि हुकूमत के चंद्रबाबू नायडू साहब वजीर आला थे जब शादी खाना तामीर किया उस टाइम पर श्रीमती भुट्टा रेणुका जी 1 करोड़ रुपए शादी खाने के लिए उन्होंने दिए, उनके हाथ से संगे बुनियादी हुआ। और उस टाइम पर चंद्रबाबू नायडू साहब 1 करोड़ रुपए अपनी पार्टी के तरफ से हुकूमत के जानिब से दिया गया है। उस टाइम हमारे तमाम जिगर आजाज आदोनी इंचार्ज मीनाक्षी नायडू साहब हमें सब जने मिलकर वो काम तामीर किया गया। उसके बाद से काम रुकता ठहरता जाता, नीचे से ऊपर तक गली से दिल्ली तक YSRCP वाले छे। मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि YSRCP के माइनॉरिटी लीडरों से, क्योंकि अब 1 करोड़ रुपए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर संजू कुमार साहब MP सर 1 करोड़ रुपए सेंक्शन किया हूँ, आकर बात करके लेके जाए बोल के ऐसा सुनने में आया, ये पक्का न्यूज़ है। मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि क्या हो रहा है भाई, 1 करोड़ रुपए लाले को बचा कुचा काम करने के बाद काम हो जाता, जैसे कि हमारे सलम मेरे के गरीब गोर बैक बच्चों की शादी उन्होंने बड़े बड़े फंक्शन हाल में नहीं कर सकते, जैसे कि हमारे खाजी अलहाज खाजे अल्ताफ हुसैन साहब है, एक उनका हवेली फंक्शन हाल है और दूसरा को उनका फार्म हाउस है और टीजेल स्कूल के पास, उन्होंने बिजनेस में मशरूफ हो गए हैं, उनको तो कुछ पढ़ा नहीं है। क्यों बोले तो अब आधुनिक में हमारे चंद लोग खाजी को चेंज करना, 2 खाजी रहे तो अच्छा, क्यों बोले तो इनकी एज भी 70.5 से 70.8 तक एज है उनकी। मेरी भी गुजारिश है कि तकरीबन खाजी साहब को चेंज करे तो बहुत अच्छा रहता, एक दो चार आदमी से नहीं होता, आधुनिक में सब लोग मिलकर तमाम लोग जाके इसके बारे में बातचीत करने के बाद इंशाल्लाह नया खाजी भी इंशाल्लाह आएगा क्या। और एक बात, उनकी उम्र भी ज़्यादा हो गई है, उनके बारे में हमें बोलना भी अच्छा नहीं। और दूसरी बात क्या है बोले तो शाही ईदगाह का जो कमिटी है, जैसे कि हमारे जिक्रिया भाई है, मुल्ला रफीक उन्होंने है, फ्रूट रफीक है, हमारे चमड़ा नासिर है और दिगर कमिटी मेंबर्स नंबर 1 70 लाख रुपए कंपनी को पैसे जो कलेक्ट करे हैं, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया और बहुत सर झुका के सलाम करता हूँ, बहुत अच्छा काम कर रही हूँ उन्होंने। क्यों बोले तो, और 2 करोड़ 60 लाख रुपए आली जनाब हमारे श्री साई प्रसाद रेड्डी साहब पट्टाभद्रो इलेक्शन में MLC इलेक्शन में जनाब गौस भाई प्लेनिस गौस भाई को बोला गया, क्या है तेरा काम, वो शादी खां इसके पैसे भी आए नहीं सर ईदगे के, तो टेंडर फॉलो हो गया अगर बोले साहिब सर रेड्डी साहब, अब तक मालूम इसने तकरीबन 2 महीने के नज़दीक हो रहा है वो बात कर को, अब तक आवाज़ नहीं साहिब सर रेड्डी साहब, अब जल्द से जल्द काम कीजिए भाई। क्यों बोले तो अवाम एक दिन जाको हम लोग सोने का है उधर, ईदगे के बाजू सोब है नहीं कब्रस्तानी जैसो, जाको सोने का है, इसमें राज के हम ना करते हुए इसके पैसे जल्द से जल्द वो टेंडर फॉलोअप करते है, काम कराते है, क्या कराते कराओ काम, हमें भी हमना को भी बहुत खुशी होता। और हमारे आली जनाब वक्फ बोर्ड चेयरमैन नियाज अहमद साहब से भी मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, कुछ भी रहने दे इसके बारे में आप प्रेस मीट रखिए, पैसे ला रही काम करा रही। क्यों बोले तो आपकी बहुत आपके ऊपर जिम्मेदारी है, तमाम माइनॉरिटीज के कर्नूल जिला के अलावा आदोनी के मुसलमानों की जिम्मेदारी आपके ऊपर बहुत भारी है, वो चीज के जो पैसे वो लाए तो बहुत अच्छा रहता, आपका नाम भी लोगों में बहुत अभी बहुत अच्छा होता माशाल्लाह। मैं यही बोल, और एक दूसरी बात क्या, हमारे नियाज अहमद साहब शाही जामिया मस्जिद का इलेक्शन का सिर्फ फखरुद्दीन गई को गड्ढा फखरुद्दीन गई को और हमारे नथड़ इस्माइल गई को एडवोकेट सानी गई को प्ले न्यूज़ गोस भाई गई को तमाम लोगों को लोगों के आवाम को बहुत इसके बारे में इलेक्शन चलना बोल के बहुत जने पूछ रहे हैं, जैसे हम लोग कोसा भी काउंटर दिए तो हिच्चे चू बात करते हैं। और दूसरी बात क्या है,
ये मसला वकबोट का नहीं है, आपस में इन लोगों का है। ये इलेक्शन चलाए तो बहुत अच्छा रहता। उन्हों पिछली बार जो है जनाब हमारे आली जनाब रऊफ भाई उन्होंने भी बोले थे नहीं हमें इलेक्शन चलाओगे तो हमें भी जाओगे, वकबोट वाले को भी दरखास्त देखो है, कोर्ट में भी अपील डाल को है। तो इसके लिए आप भी हमारे रऊफ भाई आप भी जरा जल्द से जल्द इसके बारे में ये करे तो इलेक्शन बाकायदा बहुत अच्छा चलता। और दूसरी बात क्या, आइंदा चल को हमारे मस्जिद के पीछे जो जगह है वो कालीज बन पड़ी, वो कालीज का काम भी कालीज भी चालू होता और बची कुछ कुछ जगह में उसमें हम फंक्शन हॉल भी गरीब बैग बचाएंगे फंक्शन हॉल भी डाल सकते हैं, बच्चों के गरीब बचाएंगे शादियां भी हो सकते हैं, बहुत से अच्छे काम आए। हम लोग सब इकट्ठा हो गए मिलजुल कर काम करेंगे भाई, आप एक नहीं और दो तीन मतलब तीन मुतलियाँ होना जरूरी है, पांच मुतलियाँ का इलेक्शन है सो अब ऐसा नहीं, सब जने मिल करके इस और इसके बारे में जद्दोजहद करके हमारे नियाज अहमद भी है, जैसे कि हमारे वकबोट चेयरमैन मजहर महबूबा टैगिस मजहर भी है, हमारे एक्स महबूब बादशाह है और जितने भी है हमारे माइनॉरिटीज के लीडर अन्नू भाई है, जितने भी हमारे माइनॉरिटीज के अहदे में है सर, और क्या बोलते हैं हमारे हिप्पी सलीम भाई है, कौन कौन है जितने लोग हैं उन सबसे मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि जैसे कि हमारे मस्तान भाई है कटगे मस्तान भाई है, इन तमाम लोगों से मैं दुआ कर गुजारिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द आधुनिक अवाम की भाईभूती के लिए अवाम की बेहतरी के लिए ये काम आ कराए तो बहुत अच्छा रहता। ईदगे के पैसे जल्द से जल्द लेकर आए तो 2,60,00,000 रुपए लाए तो, और हमारे शादी खाने के ये पैसे एमपी डॉक्टर संजू कुमार साहब के पास 1,00,00,000 रुपए लागो, और जैसे कि शाही जामिया मस्जिद का मसला है इसे भी कंप्लीट जरा तवज्जुग लेके हमारे नियाज अहमद साहब से भी गुजारिश है, जैसे कि हमारे जो भी स्टेट लीडर है डिस्ट्रिक्ट लीडर है इन तमाम से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि इसके बारे में जल्द से जल्द कुछ ना कुछ एक्शन लिए तो बहुत अच्छा रहता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गड्डा फखरुद्दीन, तेलुगुदेशम पार्टी स्टेट सेक्रेटरी, गुंटेकल माइनॉरिटी ऑब्जर्वर।